हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने रिव्यू में देखा है, ये एसी आपका नया मॉडल है 2024 और बिग चेंजेस के साथ आया है। फ्रेंड्स, मैंने आपको इसका रिव्यू दिखाया है क्योंकि इसका जो लुक है वो काफ़ी प्यारा लुक आया है और घर पे आप ये लगता है तो एक स्पेशल अलग से डिज़ाइन ही लगता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं, नया मॉडल है और आपको मैं इसका रिमोट का भी दिखाऊंगा और फीचर भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर है। तो फ्रेंड्स, ये है 2024 का कैरियर का फादर ऑफ कूल एक्सएल एज ई एक्स आई मॉडल, जो कि वाईफाई के साथ है और 5-स्टार मॉडल है 1.5 टन का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे इसके ब्रांड की कूलिंग कैपेसिटी कि ये कैरियर का है तो इसमें कूलिंग कैपेसिटी कितनी होगी। कूलिंग कैपेसिटी है 5000 वॉट की इसकी कूलिंग कैपेसिटी है। मिनिमम जो 50% पे कूलिंग कैपेसिटी होती है वो है इसकी 2500 वॉट। और फ्रेंड्स, ये वाला जो एसी है 1.5 टन का वाईफाई वाला, इसकी मैक्सिमम कूलिंग 5760 के करीब जाती है, यानी ये एसी आपका लगभग 180-190 स्क्वायर फीट तक भी आराम से वर्क कर लेगा अगर ग्राउंड फ्लोर है तो। अगर टॉप फ्लोर है तो वहां पे ये 170 या 180 स्क्वायर फीट तक आराम से कवर कर लेगा। तो फ्रेंड्स, इसकी ISER की रेटिंग की बात कर लेते हैं। 5.13 इसका ISER रेटिंग है। इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन कितनी है, यानी पावर इनपुट ये एसी कितना लेता है जब ये स्टार्ट होता है, तो 1260 इसका पावर इनपुट है यानी स्टार्टिंग। और जब ये मिनिमम स्पीड पे चलता है तो 445, क्योंकि ये इन्वर्टर एसी है आपका, 445 वाट पे चलता है। नॉइज लेवल की बात करते हैं कि ये एसी कितना नॉइज लेवल लेता है, तो इसका 38 dB के करीब इसका नॉइज लेवल है। मैं बात करता हूँ इसके इनडोर वेट की कि इसका इनडोर वेट कितना होगा। तो फिर इसका जो वेट होता है 10.3 kg के करीब इसका वेट होता है। अगर हम इसके आउटडोर की बात करें तो 27.1 kg के करीब इसका आउटडोर का वेट होता है। आप देख रहे हैं तो इसका जो ब्लोअर साइज है ये बिगर है, तो यानी इसका एयर फ्लो जो है 580 CFM के बराबर इसका एयर फ्लो भी आपको मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक्सएल एज ई एक्स आई के कुछ यूनिक फीचर जो 2024 में आपको मिलने वाले हैं, और क्या क्या ऐसे यूनिक फीचर है वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप और समझा के बताऊंगा कि उनके यूजेस कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके लुक की। जो इसका लुक है फ्रेंड्स, आपको कर्व लुक दे रखा है और बीच में एक LED लाइट्स ऑप्शन दे रखा है। बट इसके कुछ मॉडल आते हैं जिनमें आपकी लाइट जलती है और कुछ मॉडल आते हैं जिसमें लाइट नहीं जलती है, बट आपको डिजाइन मिलता है। तो इसका जो ये मॉडल है इसमें लाइट नहीं जलेगी, बट आपको यहाँ पे डिजाइन मिलता है जो कि एक टाइप से बहुत ही प्यारा लुक देता है और आपके रूम को एक टाइप से डेकोरेट करता है। ठीक है, पहला फीचर जो है इसका फ्रेंड्स, इसका कंप्रेसर, इसका जो कंप्रेसर है रोटरी कंप्रेसर है। हाइब्रिड जेट की हम बात कर रहे थे, हाइब्रिड जेट क्या होता है, इसका जो आउटडोर यूनिट होता है, आउटडोर यूनिट में एक दो बड़ा होल होता है जिसमें कि फैन होता है और उसमें एयर थ्रो होती है। एक होता है साइड में ही, नीचे की साइड होता है छोटा सा, वो उसमें में जो नीचे से छोटा सा एक होल्स होता है उसको बोलते हैं हम वेंटिलेटर और हाइब्रिड जेट टेक्नोलॉजी, यानी वो आपका एक टाइप से वेंटिलेटर है जो कि बाहर की ठंडी हवा को आपस अंदर की साइड मूव कर रहा है। यानी अगर कंप्रेसर हीटअप होता है तो एक टाइप से वो कंप्रेसर को सेफ रखने का काम करता है, यानी हीटिंग से बचाता है ताकि आपका कंप्रेसर हीट ना हो और ना ही ट्रिप हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की। इसमें आता है आपका 6-in-1 कन्वर्टेबल। अब मैं आपको रिमोट में भी बताऊंगा 6-in-1 कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 6-in-1 जो है आपका डिफरेंट मोड्स पे यूज होता है। मान लीजिए ये आपका 1.5 टन का है तो ये वाला एसी आपका 0.8 टन, 1.2 टन, 1.5 टन और 1.6 टन, 1.7 टन इस टाइप से वर्क करेगा। तो मैं आपको इसका रिमोट भी नजदीक से दिखा देता हूं कि इसके रिमोट में कहां पे ऑप्शन होते हैं। ये आपका रिमोट है, नया रिमोट आया एकदम 2024 का, FC1, FC2, FC3, FC4, FC5, यानी ये डिफरेंट टाइप्स के मोड्स है। अगर आप FC1 पे रखोगे तो फ्रेंड्स ये वाला जो आएगा आपका सबसे निचले उस पे आएगा, यानी 0.8 पे आएगा। FC2 पे रखते हो फ्रेंड्स तो ये आपका 1 टन पे आएगा, फिर आपका 1.5 टन पे आएगा, फिर आपका 1.25 टन पे आएगा, फिर आपका 1.6 टन पे आएगा, और इसमें आपको दे रखा है कि FC6, यानी इंस्टा कूल अगर दबाते हो आप तो 5750, जिसमें मैंने आपको हाई कैपेसिटी बताई थी, तो यानी ये वाला आपका FC6 पे आएगा, यानी ये सबसे हाईएस्ट मोड पे चलेगा, यानी 1.7 टन पे ये चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आने वाले फीचर्स भी आपको यहीं पे दे रखे सारे के सारे, जो भी मैं आपको बताऊंगा, वाईफाई वगैरह, स्विंग वगैरह, स्टेप वगैरह, स्लीप टाइमर, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसके नेक्स्ट फीचर की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें कुछ यूनिक फीचर आते हैं फ्रेंड्स। इसमें आपको 100% कॉपर मिलता है। कॉपर जो होता है ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और रिपेयरेबल भी होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें हिडन डिस्प्ले की। मान लीजिए अब आप एसी को चलाते हैं,
कोई भी टेम्परेचर वगैरह देखना हो तो यहीं पे आपका हिडन डिस्प्ले आएगा इस वाली पोजीशन पे। तो यहाँ पे आपको हिडन डिस्प्ले मिलता है जो कि एलईडी लाइट्स के साथ होता है, यानी एलईडी लाइट वाला हिडन डिस्प्ले मिलता है। साथ ही साथ इसमें क्या मिलता है आपको, इसमें किलोवाट का भी ऑप्शन मिलता है। किलोवाट यानी एसईडी डिस्प्ले, यानी स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले, यानी इसमें आपको शो करेगा कि आपका पावर कंजम्पशन कितना है, बिजली का बिल कितना आएगा, वो आप अपने हिसाब से भी इसमें सेट कर सकते हो। ये ऐसा एसी है जो कि किलोवाट के हिसाब से आपके बिजली की खपत कितनी हो रही है वो सब चीज़ भी ये बताएगा आपको। नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं, इसमें आपको हाइड्रो ब्लू कोटिंग मिलती है। हाइड्रो ब्लू कोटिंग क्या होती है फ्रेंड्स, इसकी जो कॉपर कॉइल होती है जो साइड में होती है या फिन्स होती है उसमें आपको स्पेशली फिन्स में एंटी कोरोजन ब्लू फिन्स कोटिंग दी जाती है, प्लस ही प्लस कॉपर के ऊपर भी ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग के साथ होती है, जिससे कि ये रस्टिंग वगैरह से काफ़ी हद तक सेफ रखता है आपके एसी को। यानी अगर कहीं पे कोरोजन वगैरह की चांसेस हो रहे हो, सल्फर की मात्रा ज़्यादा हो, तो वहाँ पे ये एसी आपका सेफ रखता है एसी को। तो ये जो ब्लू फिन्स एंटी कोरोजन कोटिंग है, हाइड्रो ब्लू कोटिंग, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके फिल्टर की, तो इसमें आपको एचडी फिल्टर मिलता है। एचडी फिल्टर का काम क्या होता है फ्रेंड्स, एंटीवायरल या फिर एयर बोन्स पार्टिकल जो होते हैं उनको ये डीएक्टिवेट करता है एक टाइप से और रिमूव करता है, और आप उसको इजीली टू वॉश भी कर सकते हो, निकाल के क्लीनिंग भी कर सकते हो। बात कर लेते हैं माय मोड की। माय मोड क्या होता है फ्रेंड्स, रिमोट में ही आपके ऑप्शन आता है माय मोड से क्या होता है, यहाँ पे माय लिखा रहता है, उसके हिसाब से आप अपने रूम के टेम्परेचर को एडजस्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे तो इसमें आपको स्टेपलियर फ्री ऑपरेशन मिलता है, यानी इसमें जो स्टेपलियर रेंज है वो 135 से लेके 200 आपकी 80 वॉट के करीब इसमें वोल्टेज 80 वोल्टेज तक का ये वर्क करता है, यानी 135 से 280 तक, यानी इसमें आपको स्टेपलियर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, कि इसमें आपको वाईफाई का भी ऑप्शन होता है। जब एसी आप ये परचेस करोगे और एसी परचेस करने के बाद जब आपको वाईफाई कनेक्ट करना होगा तो एसी के साइड में ही यहीं पे आपको स्कैनर दिए जाते हैं कंपनी की तरफ से, वो आप स्कैन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो जाएगा ऐप, और उसके द्वारा आप इसको यूज़ कर सकते हो कहीं से भी बैठे हुए, चाहे एनी एवरीवेयर, कहीं से भी इनडोर या आउटडोर में टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो, और इसको टेम्परेचर को अपने हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं इसके वारंटी की, तो जो इसकी कंपनी वारंटी दे रही है अभी 1 ईयर की टोटल वारंटी दे रही है, 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी दे रही है, और 5 साल की कंपनी इसमें आपको पीसीबी की भी वारंटी दे रही है। तो फ्रेंड्स ये था 2024 का एक्सएल एज ई एक्स आई मॉडल जो कि 1.5 टन का 5 स्टार है। अब कुछ कहते हैं व्यूवर्स की इसके प्राइस भी बताओ, तो फ्रेंड्स ये मॉडल अगर आपको मार्केट में मिल जाता है तो ये आपको 43,000 से लेके 44,000 की रेंज में आराम से मिल जाएगा, यानी इसकी प्राइस रेंज भी आपकी काफ़ी कम है और काफ़ी बेटर चीज़ है कूलिंग के मामले में भी। तो फ्रेंड्स कुछ भी अगर इस वीडियो में आपको पूछना हो तो ज़रूर पूछे कमेंट बॉक्स में, और फ्रेंड्स चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।